मेरा नाम फारूक मोहम्मद है। मैं बेसिकली राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जिस गांव का नाम रासलाना है। मेरी शादी हुई है उन जिनके साथ में, वो एक हिंदू समाज से हैं। मेरा नाम पूजा है और मेरे हस्बैंड का नाम फारूक है। हमने स्पेशल मेरे जैक्ट में शादी किया है। उसके अंदर क्या होता है, ना ही तो धर्म चेंज होता है, ना ही नेम चेंज किया जाता है। तो स्पेशल मेरे जैक्ट में शादी करने में भी हमें काफ़ी दिक्कतें आई। हमने पहले यही सोचा था कि हमारे बीच में जाति धर्म आएगा, लेकिन उस चीज़ को हमने बहुत फाइट किया था। मेरा क्या था कि मैं जाति धर्म में नहीं मानता हूँ, इंसानियत से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं है, मैं उसी को मानता हूँ। मैं पूजा के फेस्टिवल में उसको पार्टिसिपेट करता हूँ, जैसे करवा चौथ हो गया तो करवा चौथ में उसके साथ में स्पेंड करता हूँ, उसके साथ में मनाता हूँ और उसके साथ में मैं करवा चौथ रखता हूँ। रमज़ान में मैं रोज़े रखता हूँ, वो मेरा पूरा ख्याल रखती है। सुबह सुबह उठ के सेहरी वही बनाती है और सुबह सुबह मुझे उठा देती है, वो एक अलार्म ही है मेरे रमज़ान का। पूजा भी साथ में बैठ के करते हैं। दीपावली हो चाहे होली हो, कुछ भी हो, सब चीज़ में साथ देते हैं वो मेरा। ऐसा नहीं है कि हम मस्जिद भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। मैं उनके लिए सुबह उठती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, फिर शाम के टाइम वो मेरे को जब ऑफिस से चलते तब बता देते कि मैं चलने वाला हूँ, तो मैं ऑलरेडी खाना बना के रखती हूँ उनके लिए। वो अपने हिसाब से अच्छे से मन से बनाती है कि हाँ मुझे भी सवाब मिलेगा। मैंने आज तक उसको ये नहीं बोला कि तू रोजे रख, क्योंकि इंसान के अंदर सबसे बड़ा उसका दिल और इंसानियत है। उसके लेके हमारी कभी बहस नहीं हुई कि तू रोजे रख, तू मैं तेरे व्रत रखूँगा, ये रखूँगा, नहीं। हमने दोनों को बोला कि हम फ्रीडम है। पिछले साल रमजान में मैंने भी रखे थे साथ में, ऐसे ही उनका साथ देने के लिए। वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, तो मैं भी रख सकती हूँ। मतलब एक दूसरे का साथ देने के लिए हम सब चीज़ करते हैं। नमाज में पहले कभी पढ़ता ही नहीं था मैं, मुस्लिम होने के बाद भी मैं अपने रिलीजन को इतना फॉलो नहीं करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में पूजा ने मुझे इसके लिए अप्रोच किया कि तू नमाज भी पढ़ा कर, उसके बाद में मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की है। वो इसलिए बोलती है कि तू अपने कास्ट में है, तू अपने धर्म में पैदा हुआ है, तो तू अपने धर्म को भी फॉलो कर। मेरे धर्म को मैं भी फॉलो कर रही हूँ, हम दोनों मिलकर अपने धर्म को फॉलो करेंगे तो एक नया ही धर्म होगा। मैं वेज खाना खाती हूँ, मेरे हस्बैंड नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं, और मैं नॉन वेज ना देख सकती हूँ ना बना सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं और खुद ही बर्तन वॉश करते हैं। मेरे को नहीं बोलते कि तुम बनाओ, वो कोई प्रेशराइज नहीं करते इस चीज़ में। मेरे को ईद में, मेरे को ईदी मिली थी और तो ड्रेसेस भी खरीदे मैंने, और खाना में हमने सेवइयाँ, काफ़ी टाइम हो गया ना बने, बिरयानी नॉन वेज भी बनाया था, वेज खाना भी बनाया था उस टाइम। हम उस टाइम सेफ हाउस में थे, तो सबने मिलके अच्छे से ईद सेलिब्रेट किया था। माँ बाप हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, लेकिन हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि माँ बाप को उस टाइम भी ये नहीं दिखा कि समाज, क्योंकि समाज जिस जगह से और जिस जहाँ से हम पले बले हैं वहाँ पे समाज एक कीड़ा है और वो हर तरीके से खा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि वो समाज माँ बाप की जो परिस्थितियाँ होगी या कोई मुसीबत होगी तो वो समाज आगे नहीं आएगा कभी भी।